ये लुक मैंने बस एक क्रीम से किया हुआ है, वो भी बिना फाउंडेशन लगाए। तो चलो मैं बताती हूँ आप सबको कि मैंने ये मेकअप कैसे किया था। सबसे पहले मॉइस्चराइजर ले लिया मैंने, मॉइस्चराइजर लगा लिया अपने फेस पे। मॉइस्चराइजर तो आप लोगों को पता ही है मैं कौन सा मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। तो उसको लगाने के बाद मैंने अच्छी तरीके से फेस पे अपने मसाज किया। मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, तो मसाज करना मत भूलना। स्टेप में मैं लगाऊंगी एलोवेरा। तो आपको तो पता ही है मैं प्राइमर का यूज़ नहीं करती हूँ, एलोवेरा ही ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। एलोवेरा मेरे लिए बेस्ट है, तो इसके लिए मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती हूँ। हर वीडियो में मैंने बता रखा है आप सभी को। उसके बाद ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बता ही देती हूँ चलो उस क्रीम का नाम क्या है। तो इस क्रीम का नाम है लैक्मी सीसी क्रीम, जो कि हर किसी के पास होगा ही और हर दुकान में भी मिल जाता है वो आराम से। तो मैंने इस लुक को बस लैक्मी सीसी क्रीम से किया हुआ है, कोई फाउंडेशन का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। इस क्रीम से इतना अच्छा ग्लो आता है और फेस पे डार्क स्पॉट्स भी नहीं दिखते हैं, बहुत ही अच्छा कवरेज भी देता है ये। तो आपको इसको डॉट 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 करके हर जगह पे लगा लेना है। याद रखना, एक ही जगह पे अगर आप लगा के स्प्रेड करना चाहोगे तो ये स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में होता है। तो आप हर जगह पे डॉट 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 करके लगाना। उसके बाद उसको लगाने के बाद में ब्लेंड करना ब्यूटी ब्लेंडर से, तो ये बहुत ही ज़्यादा आराम से ब्लेंड हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी इसमें। तो मैंने पहले फर्स्ट तो मैंने अपने हाथों से इसको मिलाया पूरे फेस पे, मिलाने के बाद में फिर ब्यूटी ब्लेंडर से भी मैंने मिला लिया था थोड़ा। तो मैं वो क्लिप लेना, मतलब मैंने वो क्लिप लिया हुआ था पर वो पता नहीं अचानक से डिलीट हो गया, इसलिए इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई। पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया तब जाके ऐसा लुक आया। अगर आप छोड़ देते हो ऐसे ही तो शायद मतलब वो ब्लेंड ना हो पाए अच्छी तरीके से। तो आप इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का ज़रूर इस्तेमाल करना। उसके बाद देखो ब्लश के लिए, तो ब्लश तो अब मैं तो जुगाड़ू हुई यार, तो ब्लश के लिए मैंने ले लिया अपना मैट लिपस्टिक। मैट लिपस्टिक लेने के बाद अपने हाथों पे लगा लिया कोई सा भी मॉइस्चराइजर। हाथ उंगलियों पे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद में मैं उसी उंगलियों से उसको टैप 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 करके मैं अपने ब्लश को पूरे फेस पे लगा लूँगी। देखिए तो इस तरीके से मैंने लगाया सी टाइप में। सी टाइप में अगर आप ब्लश लगाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। अब देखो आई मेकअप, आई मेकअप के लिए ये है कि यूज़ कर लेना अगर आपको आई मेकअप नहीं आती है। तो मुझे भी आई मेकअप आती नहीं है, तो मैं इस हैक का यूज़ करती हूँ। सच बता रही हूँ ये हैक बहुत ज़्यादा काम करता है और यूज़फुल है बहुत ज़्यादा। आप कहीं भी अगर जा रहे हो तो 5 मिनट में अगर आपको आई मेकअप कोई सा भी करना है तो इसको इस्तेमाल कर लेना, बस बस आपका आई मेकअप कम्प्लीट हो जाएगा और आपको इसमें ब्रश की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप ब्रश से करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ज़्यादातर मेकअप हाथों से ही करना पसंद करती हूँ, ब्रश का इस्तेमाल नहीं करती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने आई शेडो लगाया अपने मैचिंग साड़ी के कलर से, ब्लू ग्रीन और शिमरी गोल्डन में दिया मैंने। तो उसके बाद देखिए मैंने जब इसको निकाला तो कितने अच्छे तरीके से ये आई शेडो मतलब पूरा बन गया था, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, बहुत आसानी से बन गया। उसके बाद फिर मैंने काजल लगाया थोड़ा सा, मैंने काजल थोड़ा मोटा करके लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा अपने आईज़ को बड़ी बड़ी दिखानी थी इसीलिए। तो बड़ी बड़ी आईज़ के लिए अगर काजल आप मोटा करके लगाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी। फिर मैंने ग्रीन कलर से थोड़ा उसको स्मच किया, बस ज़रा सा ग्रीन कलर लेके उसको स्मच कर दिया। नेक्स्ट मैंने लिपस्टिक के लिए अपना नॉर्मल कोई सा भी लिपस्टिक ले लिया और लिप्स को लाइन कर लिया। और लाइन करने के बाद मैंने लिप्स को थोड़ा फिलर दिखाने के लिए इस तरीके से मिडिल में लाइन कर किया। उसके बाद फिर हाथों से ही अपने ब्लेंड कर लिया, लिप्स से अपने ब्लेंड कर लिया। करने के बाद मैंने यहाँ पर पाउडर भी यूज़ किया है अपने लिपस्टिक के ऊपर में। वो वीडियो क्लिप भी मेरी गायब हो गई, पता नहीं क्यों, छोड़िए वो बात। आप पाउडर का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, थोड़ा मैट दिखाने के लिए। तो मैंने तो पाउडर का इस्तेमाल किया था लिप्स के ऊपर, तो आप भी कर सकते हैं इस पे। और उसके बाद फिर मैंने अपना मैट लिपस्टिक लेके लाइनिंग कर लिया अच्छे से लिप्स को, क्योंकि मैंने पहले लाइनिंग किया हुआ था नॉर्मल सा लिपस्टिक से तो वो उतर जा सकती है। तो ये था मेरा फाइनल लुक। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेकअप कैसा लगा।